हमारे साथ एक और प्रत्याशी हैं जिन्होंने अभी अभी नामांकन दाखिल किया, अपना परिचय देंगे। रमिता झा जी, आपने किस पद के लिए नामांकन दाखिल किया? पंचायत समिति के। नामांकन दाखिल करने का उद्देश्य क्या है? क्षेत्र के विकास करने के लिए मिर्जापुर में जितना रुकावट है उसे सब। क्या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में उस तरह से जो पंचायत समिति सदस्य के तौर पर जो विकास होना चाहिए था पंचायत समिति के द्वारा, वो आपके क्षेत्र में नहीं हो सका है? हाँ, अभी तक तो नहीं दिख रहा है। देखिए, कोशिश करेंगे, जितना हो सके उतना हम कर सकते हैं। हमारे साथ एक और प्रत्याशी हैं जिन्होंने अभी अभी नामांकन दाखिल किया है। सर, परिचय देंगे अपना और किस पद के लिए आपने नामांकन? हमारा नाम हुआ आनंद चंद्र झा और घर हुआ आबारी। पंचायत समिति सदस्य पद के लिए हम अभ्यर्थी हुए हैं। आज अपना हम नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। तो आपके नामांकन दाखिल करने का उद्देश्य क्या है? अरे, नामांकन करने का जो यहाँ स्वच्छ प्रशासन की स्थापना हो प्रखंड में, चूँकि पंचायत समिति सदस्य ही ऊपरी सदन के हैं, प्रखंड स्तर के ऊपरी सदन के माने सदन के सदस्य होते हैं, उन्हीं के द्वारा प्रमुख का चुनाव किया जाता है। इसीलिए स्वच्छ प्रशासन, यहाँ प्रशासन निष्पक्ष से काम करे और भ्रष्टाचार मुक्त हो, इसीलिए हम। और विजेता अगर आप बनते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? हमारी प्राथमिकता रहेगी जो प्रखंड में जो भ्रष्टाचार है या कठिनाई है जनता को, उस सब को दूर किया जाए। जहाँ जो काम अधूरा है, काम तो बहुत चल रहा है सर, हर एक पंचायत में, ये नहीं है जो नहीं चल रहा है, चल रहा है, उस अधूरा काम को पूरा करना है। और इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे? विकास में जो गड़बड़ी हुई है या जो भी है उसकी समीक्षा भी हो और साथ साथ विकास हो। तो पंचायत समिति सदस्य के तौर पर जीतने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी अपने क्षेत्र? डेवलपमेंट पर, जी हाँ, विकास। नाम बताएंगे अपना? हेलो, मेरा नाम रेखा देवी है। किस पद के लिए आपने नामांकन दाखिल किया? पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 1 से आपने पंचायत समिति सदस्य पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। तो आपके नामांकन दाखिल करने का क्या उद्देश्य है? वही, जो क्षेत्र में विकास करने के लिए जो सब नहीं हुआ वो सब करना चाहती हूँ। तो क्या लगता है आपको कि अभी तक जो पिछले 20 वर्षों में जो पंचायत निर्वाचन के बाद जो पिछले 20 वर्षों का शासन है उसमें आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है हम लोग के नज़र में। क्या नाम हुआ आपका? पूनम देवी। किस पद के लिए नामांकन कराया है? पंचायत समिति से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्यामलाल शाह, मैं पूनम देवी का पति। पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 2 से उम्मीदवार हूँ। मैं मनरेगा का जो भी काम हो, छुटा हुआ हो, जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कार्ड बना हुआ है उस पर पैसा उठ रहा है, कुछ नहीं, मैंने यहाँ के मजदूरों का जो भी कठिनाई होगा उसको दूर करूँगा। यहाँ प्रशासनिक जो व्यवस्था है उस सबको देखूँगा और ढंग से उसका सेवा करूँगा, यही मेरा उद्देश्य है। अगर आपको जनता चुनती है तो आपका पहला कार्य क्या रहेगा जीत के आप आइएगा अपने पंचायत में? मेरा पहला काज रहेगा, पहले मनरेगा को देखेंगे, इसके बाद मैं जो भी नाला उला बचा खुचा हुआ है उसको मैं सही जगह, अभी कचरा भरा हुआ है, सही उसका जगह दूंगा। इसके बाद मैं स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी ध्यान दूंगा।